नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा हिस्ट्री का जो इससे पहला लेक्चर हुआ था, उसमें हम डुप्ले के बारे में देख चुके हैं। डुप्ले यानी एक फ्रांसीसी जो कमांडर रहे थे, गवर्नर रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थे। भारत में पहली बार यूरोपीय शासन स्थापित करने का सपना उन्होंने देखा था, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाते थे उनके बारे में देखना। लेकिन आज से हमारे इंग्लिश कमांडर और गवर्नर जनरल हैं, ये शुरू हो जाएंगे। और इसमें हम एक क्रम से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि उनके टाइम पर क्या हुआ, कौन सा चार्टर आया, तो इससे गवर्नर जनरल भी साथ के साथ कवर होते रहेंगे। चार्टर एक्ट वगैरह भी, और उनके टाइम पर जो जो भी घटनाएं घटित हुई थी, वो भी अब हम सारी इसी हिसाब से कवर करेंगे। तो चीज़ें एक क्रम में चलती रहेंगी। बाकी दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, इनको हम आगे देखेंगे। उससे पहले अगर आप अपने दोस्त वगैरह के साथ अगर चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर सके तो भी हमको काफ़ी ज़रूरत है। हमको भी देखो, हम भी वही है, अगर जितने लोग आप जुड़ सकें इतना अच्छा है, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले। तो अगर आप कर सको तो प्लीज़ कीजिए चीज़ों को। बाकी चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना। देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने इंग्लैंड का राज्य स्थापित करने में, भारत में इंग्लैंड का एक शासन स्थापित करने में काफ़ी हेल्प की थी। वो ऐसे कि जब अराकाट को घेरना रहा हो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में, अगर आपने नहीं की है तो पहले जाके इन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पूरे हिस्ट्री में निभाएंगी। अराकाट को घेरना रहा हो 1751 का, 1751-52 का, या फिर जो बक्सर का युद्ध है 57 का, ये सारी चीज़ें इसमें रॉबर्ट क्लाइव की अहम भूमिका रही है। आप अगर देखोगे तो वहाँ पे इसका बिल्कुल विस्तार से बताया गया है सब के बारे में। तो जैसे ये प्लासी का युद्ध था 1757 का, तो जैसे ही बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, और जिसमें 1764 में है, और जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी, तो आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के कमांडर कौन थे। मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी ये चीज़ पूछ चुका हूँ, तो आपको पहले तो ये कमेंट करके बताना है कि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी उनके कमांडर थे कौन। उसके बाद में कि बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद में जैसे ही ये खबर इंग्लैंड पहुंची, तो वहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह थे और जो गवर्नर जो थे, कुछ लंदन में बैठे हुए लोग थे जो हाई कमांड लोग थे, उन्होंने कहा कि अब हमारा वहाँ पे राज्य तो स्थापित हो गया, अब हमारी पॉलिटिकल पावर तो वहाँ पे बन चुकी है, लेकिन अब उसको चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने उस व्यक्ति को चुना। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर हमारा राज्य स्थापित करने में हेल्प की है, तो उसी को भेजकर वहाँ पे गवर्नरी दी जानी चाहिए। तो वो व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव को वापस भेजा गया, क्योंकि क्लाइव 1757 के बाद में इंग्लैंड चले गए थे, तो उनको वापस भेजा गया। और उनका टाइम रहा था 1765 से 1767 तक, यानी वो पहले गवर्नर थे जो इंग्लिश पावर जिन्होंने संभाली थी, इंग्लिश पॉलिटिकल व्यवस्था जो स्थापित की थी, ध्यान रखना। अब उनके कुछ कार्य हैं, जो राजनीतिक कार्य व्यवस्था है उनकी, जो पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में उनकी क्या क्या उनको क्या कामयाबी मिली और क्या उनकी नाकामयाबी रही थी। तो पहला है सेटलमेंट विद अवध, यानी अवध के साथ उन्होंने संधि की थी, तो उसको देखते हैं। देखिए, क्लाइव जैसे ही भारत पहुंचे, उन्होंने पहला काम क्या किया कि जो हारे हुए राजा, जो हारे हुए व्यक्ति जो थे, उनके साथ एक संबंध स्थापित करने की सोची, कि उनके साथ संबंध किस तरह से स्थापित किए जाए। जो डिफीटेड पावर थी उनको अपने तरीके से हैंडल करना था, क्योंकि वो दोबारा ना उछल सके, या फिर उनसे कुछ जो जीता है उसका कैसे लाभ कमाया जा सके। डिफीटेड पावर के साथ में उन्होंने संबंध स्थापित करने की सोची। इसी के क्रम में उन्होंने अवध के लिए प्रस्थान किया, अवध के लिए प्रोसीड किया, तो वहाँ पर वो सुजाउद्दौला से मिले। अवध के लिए जब गए तो अवध के जो वहाँ के नवाब थे सुजाउद्दौला, उनसे मिले, और उनके साथ में उन्होंने अलाहाबाद की संधि की, जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, ध्यान रखना। ये 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि थी, इसमें दो संधि की थी उन्होंने, दूसरी को भी अभी आगे देखेंगे। तो 16 अगस्त 1765 को उन्होंने इलाहाबाद की पहली संधि की अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में। तो इसके क्या क्या प्रावधान थे? इस संधि के तीन मुख्य प्रावधान थे। पहला ये कि जो नवाब थे उन्होंने कारा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट अब एम्परर शाह आलम को सरेंडर कर दिए। इलाहाबाद और कारा के डिस्ट्रिक्ट एम्परर शाह आलम को सरेंडर कर दिए। ये सरेंडर क्यों किए थे हम आगे देखेंगे, विस्तार से बताएंगे इन चीज़ों को। ये सरेंडर वैसे इसलिए किए थे क्योंकि शाह आलम अब कठपुतली बन के रह गया था अंग्रेजों की, और वो जिस हिसाब से उसने दीवानी अधिकार दे दिए थे, तो सिंपल सा बात है, सीधा सीधा वे अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। दूसरा, सुजाउद्दौला 50 लाख रुपए देने को तैयार हो गया युद्ध हानि के रूप में।
काफी बड़ी रकम होती थी उस टाइम पे, 50 लाख, कोई छोटी रकम नहीं होती थी। तो यानी अब वो 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था कि जो कंपनी ने युद्ध लड़ा है उसमें उसको जो हानि वगैरह हुई है उसके लिए वो 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया कि हाँ मैं ये आपकी क्षतिपूर्ति मैं आपको ये दे दूंगा। उसके बाद में तीसरा एक इसमें ये था, जो सुजाउद्दौला था वो एक बनारस के जागीरदार थे, बलवंत सिंह, ये काफी बड़ी शख्सियत थे उस टाइम पर। तो इनको उनकी जागीर वापस से देने के लिए तैयार हो गया कि हाँ इनको हम इनकी जागीर है उनमें वापस से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको निकाल दिया गया था और ये अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे। तो इनको सुजाउद्दौला ने वापस से उनकी जो जागीर थी वो दे दी थी। देखिए ये तो जो संधि थी उसके कुछ प्रावधान थे, लेकिन इसके बाद भी जो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके सुजाउद्दौला के साथ में एक रक्षात्मक संधि जो बोलते हैं वो की, उसके अनुसार ये था कि अब कंपनी जो मतलब अवध के नवाब हैं उनको पहला तो जरूरत पड़ने पर कंपनी को अगर कभी उनकी आवश्यकता होती है तो वो बिना पैसे के कंपनी की आवश्यकता करेंगे, कोई भी उन्हें पैसा नहीं देगा। दूसरा कि कंपनी उनकी सीमाओं की रक्षा करेगी, यानी जो उनकी बाउंड्री है, जो अवध की जो बाउंड्री है उनकी सीमाओं की रक्षा कंपनी के सैनिक करेंगे, और इसके बदले में जो अवध के नवाब है सुजाउद्दौला उनको सैनिकों को पैसे देने होंगे। यानी सिंपल सी बात है, क्लाइव अपने इंग्लिश सैनिकों को राजा की खर्च पर राजा की बाउंड्री के अंदर रखने के लिए राजा को मना लिया, यानी अवध के नवाब अब अंग्रेजी सैनिकों को अपनी बाउंड्री के अंदर रखेंगे, इसके बदले में उनको उनका खर्च भी उठाना पड़ेगा। यानी विदेश से आए हुए सैनिक जिनको अपने खर्च और भत्ते पर यहाँ रहना था, और वो सिंपल सी बात है एक नवाब के भत्ते पर खर्चे पर यहाँ रहेंगे, ऊपर से उन्हें पेंशन भी मिलेगी, उनका अपना कोई खर्चा भी नहीं होगा, और कोई युद्ध वगैरह क्योंकि अंग्रेजों से ही उनके वार थे, अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं रही, वो खुद ही उनकी रक्षा करेंगे। तो यानी सारी की सारी पावर अब क्लाइव ने अपने हाथ में लगभग लगभग ले ली थी, यानी उनकी जो सीमाओं की रक्षा थी अब वो क्लाइव करेंगे। इसके बाद में क्लाइव ने दूसरी ट्रीटी की थी जो राजा थे सम्राट थे शाहआलम उनके साथ में, तो शाहआलम के साथ में उनकी दूसरी संधि हुई थी। तो इस संधि के अनुसार इसे सेकंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कहते हैं, ये भी अगर 1765 में ही हुई थी ध्यान रखना, लेकिन पहली संधि की थी सुजाउद्दौला के साथ में, दूसरी की थी शाहआलम के साथ में। अब शाहआलम वाली संधि के क्या क्या कुछ प्रावधान रहे इनको देख लेते हैं। देखिए इस संधि के कारण क्या हुआ कि जो एम्परर थे यानी शाहआलम जो थे सम्राट थे, अब वो कंपनी की छत्र छाया के नीचे आ गए, सिंपल कि कंपनी ने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के अंडर रख लिया और उनको इलाहाबाद भेज दिया। यानी अब उनके पास अपने कुछ नहीं था, उनको कंपनी की प्रोटेक्शन मिल गई, यानी वो कंपनी की खुद एक सम्राट एक कंपनी की प्रोटेक्शन में था। तो आप समझ सकते हो कि अब सम्राट की पावर कितनी रह गई थी। दूसरा, अब उनको इलाहाबाद भेज दिया गया संधि के द्वारा, अब वो दिल्ली की बजाय इलाहाबाद भेज दिए गए। इससे सम्राट जो थे उनसे एक फरमान निकाला गया उनके द्वारा, शाहआलम के द्वारा 12 अगस्त 1765 को उन्होंने एक फरमान जारी किया, सॉरी ये रहा 12 अगस्त 1765 को उन्होंने फरमान जारी किया, और इससे कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए बंगाल बिहार और उड़ीसा के, यानी बंगाल बिहार और उड़ीसा में उनको, बंगाल बिहार और उड़ीसा इनमें उनको दीवानी अधिकार मिल गए। इसके बदले में उनको कंपनी 26 लाख रुपए देती, यानी 26 लाख रुपए कंपनी उनको प्रोवाइड करती ईयरली, और निजामत का कार्य भी अब कंपनी को चलाना था इन्हीं में, तो इसके बदले कंपनी 53 लाख रुपए देती। यानी दीवानी और निजामत ये दोनों के दोनों अधिकार अब कंपनी को मिल गए थे। दीवानी अधिकार के बदले कंपनी 26 लाख रुपए शाहआलम को देगी, और निजामत के व्यय के लिए कंपनी 53 लाख रुपए उनको देगी। तो अब कंपनी जो एक पहले, इस चीज़ को तो हम पहले ही कह चुके हैं, जो एक व्यापारिक कंपनी थी अब पूरी तरह से एक राजनीतिक कंपनी बन चुकी थी, लगभग लगभग उसका पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था, और इस पूरे नॉर्थ इंडिया में उसको टक्कर देने वाला यानी उसकी प्रभुता को चुनौती देने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। तो शाहआलम को उन्होंने पेंशनर बना लिया। अब देखिए मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अब उन्होंने पेंशनर बना रहा, वो डायरेक्ट पूरा का पूरा खुद भी कब्जा कर सकते थे, उन्होंने इनको एक मोहरे के रूप में या कठपुतली शासक बना के ही क्यों रखा। तो इसके कुछ वजह थी। पहला तो ये कि कंपनी अवध पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं कर सकती थी, अगर वो डायरेक्ट मान के चलो अवध को अपने कंट्रोल में ले ले कंपनी जो अवध है, अगर उसको डायरेक्ट अपने नियंत्रण में ले ले तो इससे क्या होगा कि
जो अहमद शाह अब्दाली जो थे, जो उस टाइम पे मराठे या फिर अहमद शाह अब्दाली, वो थे तो नवाब के विरोधी उस टाइम पर। अब वो अगर कंपनी डायरेक्ट अवध को अपने नियंत्रण में ले लेती तो वो सीधे के सीधे कंपनी के विरोधी हो जाते, जो नवाब को टक्कर दे रहे थे, और वो सीधे सीधे कंपनी की प्रभुता को चुनौती देने लगते और कंपनी अपने व्यापार की बजाय इनमें उलझकर रह जाती, वो व्यापार से लाभ नहीं उठा पाती। यही कारण, कुछ यही रीजन रहे थे शाह आलम के साथ में कि वो शाह आलम को ले रहे थे, तो क्योंकि एक सम्राट का जो उस टाइम पर नाम के रूप में ही जो नवाब वगैरह अपना नाम रखे हुए थे कि हम सम्राट के अंडर हैं, वो लगभग लगभग कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। भारत की हो सकता है जनता भी उनके खिलाफ कि हम पर एक विदेशी शासन करेगा, वो भड़क उठती और उस टाइम पर उनका साथ दे देती, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तो उस टाइम पर कंपनी इतनी मजबूत नहीं थी, तो हो सकता है लोग राजा इकट्ठे हो जाते और उनको निकाल देते। तो ये कुछ कारण थे। सबसे जरूरी चीज़ ये रही कंपनी को, जो कंपनी चाहती थी कि उसने उनको कठपुतली बनाकर छोड़ दिया। उनके काम वही रहे, उनके लाभ भी दुगने हो गए, उनको यहाँ की प्रजा के लिए कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि प्रजा के लिए करने का काम तो उन्होंने राजाओं के ऊपर छोड़ दिया, उनके हाथ में पावर कुछ नहीं छोड़ी। तो राजा से जो वो चाहते, राजा या नवाब से वो कहता और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते, यानी राजा या नवाब थे अब बस एक रबड़ की मोहर मात्र बनकर रह गए थे, और इसी चीज़ का कंपनी की ज़रूरत थी और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया था। इसके बाद में जो ड्यूअल सिस्टम है, यानी दोहरी व्यवस्था है बंगाल की, जो सेटलमेंट ऑफ बंगाल द ड्यूअल सिस्टम, इस चीज़ को देखते हैं कि बंगाल में जो दोहरी व्यवस्था थी उसके क्या क्या कुछ प्रावधान थे, कैसे किन चीज़ों में अंग्रेज़ों के लिए अच्छी थी और किन चीज़ों में हमारे लिए ख़राब सिद्ध हुई। देखिए, इलाहाबाद की संधि रही हो या बक्सर के युद्ध रहा हो, उसके बाद में कंपनी ने जो रियल पावर थी वो तो अपने पास ले ली, जो वास्तविक पावर थी वो तो कंपनी ने एक्वायर कर ली थी, कंपनी ने वास्तविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर थी वो तो ले ली, लेकिन एक प्रशासन का जो दायित्व यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भार था वो डाल दिया नवाब के कंधों पर कि आप प्रशासन संभालिए, लेकिन जो मुख्य पावर थी वो तो कंपनी के पास चली गई थी। अब वो ये दिखाने के लिए नवाब को एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया कि अगर कुछ भी जनता के पास में, क्योंकि कंपनी जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का भार नवाब पर डालने से क्या हुआ कि अगर जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हालांकि उस टाइम पे मिलनी बंद हो गई, किसानों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसका भार कंपनी पर नहीं आए, लोग कंपनी के खिलाफ ना हो, नवाब के खिलाफ हो कि नवाब उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि शासन तो नवाब ही चला रहा है ना, कंपनी तो पीछे बैठी है, पर्दे के पीछे तो कंपनी है, लोगों को इसका क्या हो। तो उन्होंने ये कहा कि नवाब को इसलिए उन्होंने कठपुतली बना के आगे रखा। तो कुछ और पद थे, जैसे देखे आप देखेंगे कि मुगल राज्य में शुरुआत से ही दो पद थे, एक तो था सूबेदार और दूसरा था दीवान। ये दोनों के बारे में इसलिए चर्चा है क्योंकि आगे जब इनका यूज होगा तो पता होना चाहिए ये थे क्या। देखिए, जो सूबेदार थे वो निजामत के कार्य करते थे। निजामत का मतलब है जैसे मिलिट्री डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारे के सारे कार्य करता था एक जो सूबेदार था। जैसे सैन्य प्रशासन, जो सैन्य वगैरह है, यानी सेना का भार, पुलिस प्रशासन संभालना, न्याय देना, तो ये सारे काम करता था एक सूबेदार। दूसरी तरफ जो दीवान होता था वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, यानी वो प्रमुख वित्त अधिकारी था, जो दीवान था वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ढीली हो रखी है। और उसको रेवेन्यू अफेयर और इससे अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल जस्टिस, वहाँ पर ध्यान रखना सूबेदार क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित था, और सूबेदार था क्रिमिनल जस्टिस, ये रहा क्रिमिनल जस्टिस, और दीवान था सिविल जस्टिस, यानी जो दीवान थे वो सिविल जस्टिस से संबंधित थे। तो इन चीज़ों में अंतर करके रखना। तो ये सारे के सारे कार्य थे दीवान पे। तो क्या हुआ कि दीवान ने तो जो मतलब शाह आलम थे उन्होंने तो दीवानी के अधिकार पहले ही दे दिए फरमान द्वारा, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, 1765 में उन्होंने फरमान जारी किया, इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिए गए। रह गया आप बात सूबेदारी की, तो देखिए जो औरंगजेब के बाद में क्या हुआ था कि मुर्शिद कुली खां थे, औरंगजेब के बाद में उनकी डेथ के बाद में शासन व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई थी, तो मुर्शिद कुली खां ने
पहले ये सूबेदार और दीवान दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करते थे और सेंटर के प्रति उत्तरदायी थे, यानी जो सम्राट था डायरेक्ट उसी के प्रति उत्तरदायी थे, इससे ये दोनों एक दूसरे पर थोड़ा लगाम भी लगाते थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुर्शिद कुली खान ने दोनों पद अपने आप धारण कर लिए, यानी दीवानी और निजामत दोनों के दोनों कार अब वो एक ही खुद में ले लिए। 12 अगस्त को शाहआलम तो कंपनी को ये अधिकार दीवानी राइट दे दिए, दीवानी राइट तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से कि 12 अगस्त को शाहआलम ने कंपनी को दीवानी राइट दे दिए। इसके बदले में कंपनी को 26 लाख रुपए जो शाहआलम को देने थे दीवानी अधिकार के बदले, और निजामत का जो उसको खर्चा था यानी जो निजामत का वो देखभाल करता उसके बदले में देने थे 53 लाख रुपए। और इसी तरह जब 1765 में मीर जाफर खत्म हो गए, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई क्योंकि मीर कासिम से 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठा दिया, मीर कासिम हार गया तो और कंपनी ने बिठाया था। अब मीर जाफर की भी मृत्यु 1765 में हो गई, तो इसके बाद में उसका जो पुत्र था नजीम उद्दौला उसको उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बदले में कंपनी ने उसके सामने कंडीशन रखी कि आपको हम बंगाल का नवाब तो बना देंगे लेकिन आपको निजामत के जो कार्य हैं वो हमारे अंडर रखने होंगे। ध्यान रखना दीवानी कार्य सम्राट दे चुके थे, नवाब जो सम्राट थे शाहआलम वो दीवानी के अधिकार दे चुके थे, निजामत के अधिकार कंपनी ने जो नजीम और दौला थे उनको नवाब बनाने के कंडीशन पर उससे ले लिए, यानी कंपनी ने जो दीवानी अधिकार थे वो एम्परर से एक्वायर किए, यानी दीवानी अधिकार एम्परर से, और निजामत के जो कार्य थे वो सूबेदार जो थे बंगाल के यानी नवाब उनसे ले लिए। तो ये दोनों के दोनों अधिकार अब कंपनी के हाथ में हो गए आ गए, वो यहाँ की सर्वे सर्वा बनकर अब रह गई थी, यानी दीवानी अधिकार भी कंपनी के हाथ में, निजामत के अधिकार भी कंपनी के हाथ में, और जनता की नजरों में सारे के सारे महाराज भी सम्राट भी वही शाहआलम और सूबेदार भी वही बंगाल के नवाब। तो जनता के लिए कुछ करने का दायित्व भी इनके ऊपर नहीं रहा और सारी की सारी पावर भी इनके पास आ गई। तो सिंपल था, इनका बस मकसद था पैसे कमाना, पैसे कमाना और यहाँ से ज्यादा पैसे कमाना, उस चीज में ये सफल हो रहे थे। इसके बाद में हम देखते हैं जो क्लाइवनी धौरी व्यवस्था जो दूसरा मतलब व्यवस्था स्थापित की थी कि मोहरे के रूप में तो शासकों को रखा था, वास्तविक पावर अपने पास रखी थी, तो इसके उसने क्या क्या कुछ प्रावधान उसने क्या जस्टिफिकेशन इसके लिए दिया था जो उसकी धौरी व्यवस्था थी कि ये क्यों जरूरी है। उसने पत्र लिखा था जो कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे इंग्लैंड में उनको कि ये ऐसा इसलिए जरूरी है ये दोहरी व्यवस्था चलानी, तो उसने क्या क्या इसके कारण दिए थे उन चीजों को देख लेते हैं। ध्यान रखना ये दोहरी व्यवस्था का मतलब है कि एक तो उसने नवाब वगैरह को तो कठपुतली मात्र बना के रखा और खुद को वास्तविक पावर, लेकिन वो पर्दे के पीछे से काम किया। तो ये ड्यूअल सिस्टम जो था ये क्यों था, उस क्लाइव की नजरों में क्या इसके रीजन रहे थे। देखो पहला है, क्लाइव ने कहा था अगर कंपनी राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेती है तो वास्तविक रूप से लोगों को पता लग जाएगा कि भाई क्या कंपनी का रूप है और सारे भारतीय इसके विरोध में आ जाएंगे। देखिए पहला है, कंपनी ने कहा था कि सॉरी क्लाइव ने कहा था कि अगर कंपनी वास्तविक रूप से अगर सत्ता अपने हाथ में ले लेती है, ये नवाब और कठपुतली जो राजा है इनको हटाकर खुद ही यहाँ पर स्थापित कर लेती है तो लोगों का कंपनी का चरित्र सामने आ जाएगा, जो मेरे कल है कंपनी का वो लोगों के सामने आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कंपनी लोगों के लिए कुछ करने के लिए नहीं आई थी, उसको लोगों का भला तो करना ही नहीं था, उसे कमाने थे पैसे, उसे यहाँ से ज़्यादा धन कमाना था। तो अगर वो ऐसा करती तो लोगों के सामने आ जाता कि हाँ ये तो कंपनी है, ये तो पैसे कमा के हमको लूट के ले जा रही है, नवाब वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं है, उनको तो हटा के रख दिया, तो वो लोग इसके खिलाफ हो सकते थे और युद्ध छिड़ सकता था। यानी कंपनी एक तो पहले बता चुका हूँ विदेशी शक्ति जो थी यानी अहमद शाह अब्दाली या फिर मराठे उनकी नज़रों में वो भी उनके खिलाफ हो ही जाते, दूसरा लोग उनके खिलाफ हो जाते क्योंकि कंपनी का उनके लिए काम करने का कोई भी मकसद नहीं था। तो इस तरह से बिल्कुल कोई फायदा नहीं रहता क्लाइव की नज़रों में यहाँ पर सत्ता अपने हाथ में, डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में लेने का। दूसरा कारण था कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, फ्रेंच रहे, डच रहे और जो डेनिस रहे यानी पुर्तगाली जो थे, फ्रेंच, डच, डेनिस, ये सारे के सारे क्या थे, ये अगर कंपनी डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में ले लेती यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी डायरेक्ट अपने हाथ में सत्ता ले लेती
तो ये हो सकता है जो टैक्स वगैरह पहले देते थे वहां के सूबेदार वगैरह को, नवाब वगैरह को, राजा को, तो वो कंपनी को टैक्स नहीं देते, क्योंकि ये तो पहले से ही कंपनी की सत्ता को चुनौती देते थे इंग्लैंड में भी और अदर भी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो हो सकता है वो कंपनी की अगर वो चुनौती कंपनी की सत्ता को वो चुनौती देते, जिनको वो दबा के रखा था, वो फिर भी उनको टैक्स वगैरह नहीं देते, वो टैक्स देने से मना कर सकते थे कि हम आपको टैक्स क्यों दें, आप भी तो एक व्यापारिक कंपनी हो, हम भी व्यापारिक कंपनी है। तो इससे भी कंपनी को ये नुकसान था कि डायरेक्ट सत्ता हाथ में ले लेते हैं तो वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि पैसे तो चाहे नवाब के पास आओ चाहे किसी के, ले तो उनको हम ही रहे हैं पीछे से। तीसरा रीजन जो क्लाइव ने दिया, उसने कहा कि अगर हम डायरेक्टली सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं तो इंग्लैंड में यानी यूरोप में कुछ जो पावर हैं, जैसे फ्रांस है, हॉलैंड है, ये फ्रांस रहा, हॉलैंड रहा, पुर्तगाल रहे, स्वीडन रहे, डच रहे, ये सारे के सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और हो सकता है ये एक गठबंधन सा बना ले और हमारे खिलाफ एक युद्ध वगैरह, जैसा कि अमेरिकी युद्ध में हमने देखा है कि अमेरिकी युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही इन सारे लोगों ने एक अपना आपस में मिलकर कंपनी के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया था। तो क्लाइव को उस चीज़ का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो, हालांकि अमेरिकी युद्ध 1778-80 में था, वो देखने को मिला था, लेकिन क्लाइव पहले ही चालाक था, उसने इस चीज़ का अनुमान लगा लिया कि हाँ अगर हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है। अब इसका जो चौथा कारण था, कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं थे, प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं थे कंपनी के पास में जो यहाँ का शासन संभाल सके। क्लाइव ने कहा था कि अगर मेरे पास जितने फिलहाल अधिकारी है ना, उसके 3 गुने अधिकारी भी, अगर मेरे पास जितने यहाँ पर अधिकारी हैं, मान के चलो उसके 3 गुना अधिकारी भी आ जाए ना, तो भी मैं यहाँ का शासन नहीं संभाल सकता, व्यवस्था इतनी तितर बितर है यहाँ पर, उसको संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उसको संभालने के लिए काफ़ी प्रशिक्षित अधिकारी और काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए। दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम, हमको लोगों के बीच में जाकर फिर दिखाना होगा, हम खाली ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्ट सत्ता हाथ में लेते हैं तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, यहाँ की जो पब्लिक है वो खिलाफ हो जाएगी। तो ये भी एक कारण था जो क्लाइव ने कहा था कि इस वजह से मैं सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं ले रहा। और ऐसे ही कुछ और कारण रहे थे जो क्लाइव ने उस टाइम पर वहां पर डायरेक्टर्स जो थे उनको, जैसे उसने एक कारण तो ये दिया था कि अगर हम डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेड का कार्य है यानी हमारा जो व्यापार है, तो वो उसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि फिर हमारा ध्यान व्यापार पर इतने अच्छे से नहीं रहेगा, हम व्यापार पे इतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था देखनी होगी, इससे हमको व्यापार में घाटा हो सकता है। और एक और कारण इसने ये दिया, छठा कारण इसने क्लाइव ने, कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या ऐसे, ये भी डर है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो हो सकता है हमारे जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, क्योंकि आप व्यापार करने के लिए तो परमिशन दी है, अगर आप राजनीति स्थापित करोगे वहां पर, राज्य स्थापित करोगे, तो फिर तो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हस्तक्षेप कर सकती है, आपको इंटरफेयर कर सकती है। तो ये भी डर था क्लाइव को। तो ये कुछ कारण रहे थे जिसकी वजह से क्लाइव ने डायरेक्ट सत्ता हाथ में ले ली और नवाब और कठपुतली राजा बनाकर वहां पर छोड़े, हालांकि ये काफी ज्यादा आगे की सोच कर ये उसने काम किया और इसमें उसको काफी फायदा मिला, हालांकि उसको तो फायदा मिला लेकिन हमको फायदा नहीं मिला। अब हमको क्या नुकसान हुआ, जो हमारे यहाँ पर लोग थे उनको क्या क्या नुकसान हुआ इसके कुछ इवेल इफेक्ट और डुअल सिस्टम के, यानी इसके कुछ विनाशकारी प्रभाव हमारी व्यवस्था पर क्या क्या पड़े उनको देख लेते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन यानी प्रशासनिक व्यवधान, यानी प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह छीण भीण हो चुकी थी, प्रशासन का हाल तो इतना गंदा था, आप आइडिया लगा लीजिए कि जस्टिस तो एक केवल विडंबना ही रह गई थी, न्याय तो किसी को मिलना ही था ही नहीं, नवाब भी उसकी भी कोई गलती क्या, वो भी एक कठपुतली मात्र बनकर रह गया था, उसके हाथ में जो नवाब था उसके हाथ में भी कुछ नहीं था, नवाब भी बस एक कठपुतली मात्र था, वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता कि मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ करूं, हालांकि उनके मन में रहता था कि अगर जैसे विदेशी हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो अपनी प्रजा के लिए कर लें, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। गुंडे रहे, छापे मार रहे, यानी जो उस टाइम पर डकैत थे उनका काफ़ी ज़्यादा, उनकी डकैती घटनाएं वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी थी, और डकैतों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इतने अच्छे ढंग से वो आक्रमण करते थे कि कभी भी उनके इतिहास में एक भी असफल घटना सामने नहीं आई।
उन्होंने कभी भी एक सिंगल मात्र एक घटना उनके इतिहास में डकैतों के में कभी भी असफलता के कोई आया ही नहीं कि जब उन्होंने डकैती की वो सफल होके ही रहे। तो उस टाइम पर उनका भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बची थी, ना न्याय, ना प्रशासन, ना किसी के लिए कुछ कार्य वगैरह करने की कोई सीन रहा ही नहीं था। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का ह्रास, ये था। आप आइडिया लगाइए कि जो देश कड़े से कड़े जो स्वेच्छाचारी थे, शासक जो रहे थे, उनके अधीन भी हमेशा हरा भरा रहा, यानी इंडिया जो इतने बड़े बड़े यहाँ पर अत्याचारी लोग, शासक कुछ ऐसे आए, उनके सामने भी हमेशा हरा भरा रहा था। लेकिन अंग्रेजों के सामने ऐसा हो गया कि हम बिल्कुल एक बंजर जमीन बनकर रह गए, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि वो जो लोग आते थे पहले स्वेच्छाचारी वगैरह या जो भी आक्रमणशाली जो राजा थे, वो यहाँ पर आके राज्य स्थापित करते थे, तो वो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे, वो यहाँ यहाँ के लोगों की केयर करते थे। लेकिन अंग्रेजों के मामले में ऐसा नहीं था, उनको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हमसे सभ्यता के क्षेत्र में या हमसे आधुनिक क्षेत्र में वो हमसे आगे थे, वो हमारे आगे ये नहीं थे कि वो झुक गए। तो उनका मकसद केवल यहाँ से पैसा कमाना रहा, तो किसान का तो काफ़ी ज़्यादा ह्रास रहा, क्योंकि मशीनी उद्योग वगैरह ये सारी चीज़ें, इस मामले में हम जो मैनचेस्टर था उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसी तरह हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य, इसका भी पूरी तरह नाश हो चुका था, यानी डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। क्लाइव ने खुद ही कहा था कंपनी संसद में कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इतने घृणित हो चुके थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इतने घृणित हो चुके थे कि वो लोगों से एक स्वामी के रूप में, अपने आप को स्वामी या नवाब से भी सुप्रीम पावर, जो कंपनी के नॉर्मल कर्मचारी था, छोटे से छोटा कर्मचारी भी, वो लोगों से एक स्वामी के रूप में मिलता था, ना कि एक कर्मचारी या व्यापारी के रूप में। वो उनसे चीज़ों को काफ़ी औने पौने दामों में, बिल्कुल सस्ते दामों में खरीदते थे और काफ़ी ऊंचे दामों में उनको वापस करते थे। तो इससे आइडिया लगाओ कि क्या हाल हुआ होगा हमारे यहाँ के लोगों ने व्यापार करना ही, क्योंकि अदर कंट्री के साथ यानी विदेश में उनको व्यापार करने की छूट नहीं थी, वो यहीं पर कंपनी के लोगों से ही सामान दे सकते थे और कंपनी के लोग अपने मनमाने दामों पर उनसे खरीदते थे। और मनमाने दामों का मतलब वो तो बस लाभ ही लाभ चाहते थे ना, जो वो चाहें, जितना भी वो चाहें उसी रेट पर वो लाभ मतलब सामान खरीदते, और काफ़ी ऊंचे दामों में जब वो बना के बेचते तो काफ़ी ऊंचे दामों में, तो हमको तो बिल्कुल हानि हानि हो रही थी। तो क्लाइव ने भी इस चीज़ का स्वीकार किया था कि हाँ, हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बहुत घृणित व्यवहार किया है भारत में लोगों के साथ में। तो ये संसद में खुद क्लाइव ने स्वीकार किया था इस चीज़ को। उसके बाद में हम देखते हैं यानी उद्योगों में जो मतलब रियूनियन ऑफ इंडस्ट्री एंड स्किल, यानी उद्योगों में दक्षता का बिल्कुल कोई भी स्किल नहीं रही थी, स्किल यानी दक्षता का पूरी तरह से उद्योगों में ह्रास हो गया था। 1769 में कंपनी के डायरेक्टर जो थे उन्होंने अपने कार्यकर्ता हैं उनको आदेश दिया था कि भाई जो सिल्क का उत्पादन है उसको प्रोत्साहित करो इंडिया में, और जो रेशमी कपड़ा जो बुनता है आप उसको मतलब बुनने को बिल्कुल निरुत्साहित करो, यानी उनको हतोत्साहित करो। सिंपल हतोत्साहित का मतलब है कि आप उनको रेशमी कपड़ा ना बुने ऐसा करने के लिए मजबूर करो, सिल्क का कपड़ा बुने लेकिन रेशमी कपड़ा वो ना बुन पाए ऐसा करने के लिए आप वो करो, क्योंकि रेशमी कपड़ा इंग्लैंड यानी मैनचेस्टर उसका गढ़ था, मैनचेस्टर से वो बना बनाया कपड़ा बेचते थे, वो मशीनों से बनता था तो सस्ता होता था, हमारे यहाँ पर उद्योग या जुलाही वगैरह ये सब काम करते थे तो महंगा पड़ता था। अब क्या था, जो कंपनी रेशम का जो धागा लपेटने वाले जो लोग हैं उनको कंपनी का काम करने के लिए बाध्य किया जाता था, उन लोगों को कंपनी का काम करने के लिए बाध्य किया जाता कि आप ये काम कीजिए, कंपनी का आप जो भी आप कंपनी आपको काम दे रही है आप वो धागा वगैरह लपेटिए। तो ये इन लोगों ने क्या किया, जब इनको देखता कि यार मजदूरी तो हमको कुछ मिलनी नहीं है, काम हमको दबा के करना है, इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, तो इन्होंने अपने जुलाहों ने अपने अंगूठे तक काट दिए थे, यानी अपने अंगूठे तक इन लोगों ने इस चक्कर में काट दिए कि हमको कोई फायदा हो नहीं रहा, इस वजह से इन्होंने जुलाहों ने अपने उस व्यवस्था से, क्योंकि लड़ने की कोई पावर नहीं रही थी,
नवाब वगैरह साथ दे नहीं रहे थे, तो ऑप्शन क्या बचता बेचारों के पास? गरीब जुलाहे अपने अंगूठे गाड़ दिए कि अब तुम हम पर कैसे करवाओगे, हमारे पास अंगूठे नहीं है तो अब हम लपेटेंगे कैसे धागे। एक था कि मॉरल डिग्रेडेशन यानी नैतिक पतन बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका था, कोई भी नैतिकता मोरलिटी अब लोगों के अंदर नहीं बची थी, कि यार कुछ उम्मीद की किरण भी उन्हें नहीं रह गई थी। उनके नज़र में ये हो गया कि जितना उत्पादन होता है उससे अधिक तो कर देना पड़ जाता है, ना उत्पादन हो तो भी कर देना पड़ता है, फिर तो और उल्टा ऊपर कर्ज आ जाता है, इससे अच्छा है तो हम उत्पादन करें ही नहीं। उत्पादन नहीं करेंगे तो कम से कम ऐसा तो है हमको कर तो नहीं देना पड़ेगा, अगर हम भूमि करेंगे नहीं तो उनका टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भूमि तो फायदे का सौदा रहा ही नहीं। अंग्रेजों के मतलब मुगलों के टाइम पे मान के चलो एक चौथाई या एक तिहाई लिया जाता था, उसमें भी अगर कभी अकाल वगैरह आ जाए तो छूट दे दी जाती थी। अंग्रेजों ने ये कुछ नहीं किया, उनको तो फिक्स है जितना चाहिए चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो बिल्कुल किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि अब बंद करो खेती वगैरह करना। तो इसके क्लाइव के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कुछ प्रशासनिक जो सुधार थे उनको भी देख लेते हैं कि इसने क्या क्या कुछ सुधार किए थे। देखिए पहला है सिविल रिफॉर्म्स यानी जो असैनिक सुधार हैं, जो नॉर्मल आम लोगों के लिए इसने क्या कुछ सुधार किए थे आम लोगों के रूप में सिविल रिफॉर्म्स में, तो उसमें है क्लाइव था उस टाइम पर, हम जानते हैं कि जो कंपनी के व्यापारी कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करते थे, ऊंची ऊंची काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार के रूप में काफ़ी ब्रीफ वगैरह लिया करते थे। तो कंपनी ने क्या किया, उनको जो उपहार वो लेते थे उन पर रोक लगा दी कि अब आप उपहार नहीं ले सकते, यानी अब आप कंपनी के लोग और अपना निजी व्यापार नहीं करोगे, आप उपहार नहीं लोगे, आप कंपनी के रूप में ही कंपनी के कर्मचारी के रूप में कंपनी के लिए कार्य करोगे। तो इस चीज़ से लोगों में कुछ आक्रोश हुआ था, अभी बताऊंगा उस चीज़ को भी। दूसरा इसने क्या, 1765 अगस्त में ही यानी अगस्त 1765 में इसने एक व्यापार जो समिति थी वो बना दी, यही यहाँ के कर्मचारियों के लिए व्यापार समिति बना दी। अब यहाँ के कर्मचारियों को जो भी साल्ट बेरल और जो तंबाकू वगैरह था इन सब का व्यापार यानी नमक वगैरह और तंबाकू वगैरह इन सब का व्यापार करके ये सोसाइटी थी इसके थ्रू ही कर सकते थे, और इस सोसाइटी को एकाधिकार दे दिया गया, यानी ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड थी इसको एकाधिकार दे दिया गया कि आप लोगों से मोल लेकर निश्चित केंद्रों पर जो खुदरा माल है वो बेचिए, और व्यापार का जो लाभ है उसको कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका जो भी पद वगैरह है यानी उनकी ग्रेजुएट स्केल के वगैरह, यानी व्यापार का लाभ जो था वो कंपनी के पदाधिकारी जैसे जो इतने जितने ऊंचे पद पर है उसका हिस्सा उतना ऊंचा ही रहेगा। मान के चलो एक कमांडर है, एक नॉर्मल कर्मचारी है, तो एक कमांडर को 100 रुपये, एक नॉर्मल कर्मचारी को 2 रुपये, इस हिसाब में व्यापार का जो लाभ था वो बांटा गया। वैसे गवर्नर को इसके लिए 17,500 पौंड और सेना का जो कर्नल था उसको 7,000 पौंड, तो आप आइडिया लगाइए उस टाइम पर, यानी क्लाइव खुद के लिए 17,500, 17,500 पौंड, सेना का कर्नल 7,000 पौंड, यानी जो सेना का वो था उसके लिए 7,000 पौंड, और इसी तरह जो मेजर थे उनको 2,000 पौंड, और कार्यकर्ता जो थे उनको भी थोड़ा बहुत धन मिल जाता था, तो उसका धन उनके पद के अनुसार बांटा गया। हालांकि इससे क्या हुआ कि इससे जो डायरेक्टर जो थे कंपनी के डायरेक्टर जो थे उन्होंने 1766 में इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया कि ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी, ऐसा काम नहीं होगा आपको, तो इसलिए जनवरी 1767 में क्लाइव ने यानी 1767 में क्लाइव ने जनवरी 1767 में इस व्यवस्था को वापस ले लिया और कहा कि ठीक है अब ये व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रहेगी, ये नहीं है जो पहले की तरह था व्यवहार, अब उसी तरह से होगा। इसके बाद में देखते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स, क्लाइव ने काफ़ी बड़ा ये काम किया था मिलिट्री रिफॉर्म्स में। क्या हुआ था कि जो उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स के काम किया, हालांकि उसका कुछ विरोध भी हुआ इस आधार पर, तो देखते हैं क्या। देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था थी, ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक व्यवस्था थी कि जो भी सैनिक थे उनको उनका तनख्वाह यानी उनकी पेंशन तो मिलती मिलती थी, उनकी जो भी सैलरी थी वो तो मिलती थी, इसके अतिरिक्त उनको जब वो युद्ध वगैरह पर जाते थे तो उनको एक अलाउंस भी मिलता था यानी भत्ता जो था वो भी मिलता था, तो उसको कहते थे डबल भत्ता, कि आपको पेंशन भी मिल रही है, आपकी सैलरी भी मिल रही है और आपको अलाउंस भी मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ मिलती थी।
1763 की शुरुआत में जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये डबल भत्ता है ना, इसको खत्म कीजिए। और ये केवल जो व्यवस्था थी, हालांकि डायरेक्टर्स ने तो ये कह दिया था कि इस व्यवस्था को खत्म कीजिए, लेकिन ये व्यवस्था कुछ कारणों की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी थी जब तक कि क्लाइव जब अंटिल क्लाइव अराइवल, यानी क्लाइव की यात्रा से जब तक क्लाइव आते दोबारा गवर्नरी लेकर, तब तक ये व्यवस्था इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी। तो क्लाइव ने आते ही जनवरी 1766 में कहा कि अब ये डबल अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, आपको सैलरी एक तो इतनी ऊंची दी जा रही है, उस टाइम पर जो सैलरी थी पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जो सैलरी थी वो हमारे यहाँ पर हुआ करती थी। उसने कहा कि नहीं, अब आपको ये डबल अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको सैलरी पहले से ही काफ़ी ऊंची दी जा रही है, और डबल अलाउंस जिनको मिलेगा वो खाली उनको मिलेगा जो बंगाल और बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, यानी बंगाल बिहार में तो वैसे ही काफ़ी ऊंचा पैसा था, दबा के पैसा लूट रहे थे, तो उसको भी जानकारी तो सबको थी ही थी उसको। तो उसने क्या किया कि बंगाल और बिहार के बाहर बाहर जो सैनिक काम कर रहे हैं उनको डबल अलाउंस मिलेगा आउटसाइड ऑफ फ्रंटियर ऑफ बंगाल बिहार, बाकी बंगाल और बिहार में काम करने वाले लोगों को जो डबल अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। तो इससे क्या किया हुआ, आप ध्यान रखना, एक श्वेत विद्रोह हुआ था, व्हाइट ब्रिटिश जो हुआ था ये हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो श्वेत विद्रोह था वो किसके काल में हुआ था, तो ध्यान रखना ये क्लाइव के काल में इस चीज के खिलाफ हुआ था जिसने उसने डबल अलाउंस जो था वो बंद कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि मुंगेर और इलाहाबाद के कुछ कर्मचारी जो थे या फिर अधिकारी या सैनिक जो लोग थे उन्होंने सोचा हम मिलकर विरोध करते हैं इस चीज़ का, इस चीज़ को हम मिलकर रेजिस्टेंस करते हैं कि यार ऐसा तो ये तो गलत है, आप ऐसे कैसे। तो उन लोगों ने क्लाइव को धमकी दी कि हम सामूहिक रूप से करेंगे तो क्लाइव कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लाइव ने और उन्होंने इस्तीफा देने के लिए सोचा कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, लेकिन क्लाइव भी उतना ही तेज, उसने सबका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये मिलिट्री रिफॉर्म्स में उसने खाली अपना पैसा वगैरह इस चीज़ में सुधार किए थे, और यहाँ पर शासन को एक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए उसने काफ़ी एक कड़े कदम भी उठाए थे। तो क्लाइव के लिए नॉर्मल देखो ये है कि उसको अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक क्लाइव को माना जाता है, उसी ने यहाँ पर ये स्थापना की थी, क्योंकि जब 1751 में उसने अराकाट को घेरा था तो पूरी की पूरी फ्रांसी जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, उसके बाद में फ्रांसीसियों के पैर उखड़ने शुरू हो गए थे, और इसीलिए जो बर्क है जो बर्क हैं उन्होंने उसको बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले की संज्ञा दी है। ध्यान रखना ये चीज़ें प्री नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप मेंस दोगे तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि उसको बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले की संज्ञा, जब आप मेंस में ऐसी चीज़ें ऐड करोगे तो काफ़ी रोचक लगती हैं चीज़ें, आपको नंबर बढ़ाती है ये चीज़ें, और मेंस में आपका अगर इनसे 0.5 या 0.25 नंबर भी अगर बढ़ रहा है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा। तो बर्क ने उसको बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले की संज्ञा दी थी, और ये था कि जो हालांकि उसके काल में ये डाकू वगैरह जो थे इनकी काफ़ी बढ़ रही थी, तो काफ़ी विवाद भी रहा, और काफ़ी उसका ये भी का पहला रूलर रहा अंग्रेजों की ओर से, अंग्रेज स्थापना की थी। तो ये चीज़ें देखो, आज हमने क्लाइव का देखा है, नेक्स्ट पार्ट में हम वारेन हेस्टिंग को देखेंगे, अब हमारा वारेन हेस्टिंग शुरू हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो हैं तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी दोस्तों थोड़ी सी आपसे भी यही उम्मीद है, अगर आप थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर सकें दोस्तों के साथ तो ज़रूर कीजिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।